और बोला जाता है जो कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है ना ये बेसिकली सीरीन थ्रियोनिन काइनेज की तरह बिहेव करता है तो एक टाइप का काइनेज यानी फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने वाला प्रोटीन है उसकी तरह ये एक्ट करता है ये वाला एंड और ये सीरीन और थ्रियोनिन पे फॉस्फेट जनरली ट्रांसफर करता है तो इसीलिए सीरिन थ्रियोनिन काइनेज के नाम से इसे जाना जाता है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज की क्लास में हम फोटोट्रोफिन प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे आपने इसके बारे में सुना होगा ये भी एक टाइप का प्रोटीन होता है जस्ट लाइक फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा उसके अंदर ये वीडियोज़ हैं तो आप वहाँ पर जाके ईजिली इन्हें देख सकते हो एक और चीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसके नीचे कमेंट करना ना भूलें क्योंकि कमेंट जो होती है वो बेटर रीच के लिए अच्छी है सबसे पहला जो पॉइंट आता है फोटोट्रॉफिन में वो आता है प्रोटीन कि ये प्रोटीन होता है मतलब ये भी जस्ट लाइक like क्रिप्टोक्रोम ही होता है इसके अंदर भी फ्लैविन वाला जो कंपोनेंट है वो एग्जिस्ट करता है दूसरी चीज जो बोलते हैं हम ये कि ये ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर होता है ये वाला फीचर भी इसमें क्रिप्टोक्रोम की तरह ही है ये भी ब्लू लाइट को परसीव कर सकता है तो ये फोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है जो कि ब्लू लाइट को कैप्चर कर सके इसके अंदर जब भी आप देखोगे तो दो टर्मिनल्स होते हैं जैसे कि आपको पता है एक प्रोटीन के अंदर दो टर्मिनल होते हैं एन और सी अमीनो एंड कार्बोक्सिल टर्मिनल वैसे ही इसके अंदर भी होते हैं अमीनो टर्मिनल जो होता है उसके अंदर फोटोट्रॉपिन जो है वो किससे बाइंड करता है फ्लैविन मोनो न्यूक्लियोटाइड से तो यहाँ पे एफ की बाइंडिंग होती है फ्लैविन मोनो बोलते हैं उससे बाइंड करता है और बोला जाता है जो कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है ना ये बेसिकली सीरीन थ्रियोनिन काइनेज की तरह बिहेव करता है तो एक टाइप का काइनेज यानी फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने वाला प्रोटीन है उसकी तरह ये एक्ट करता है ये वाला एंड और ये सीरीन और थ्रियोनिन पे फॉस्फेट जनरली ट्रांसफर करता है तो इसीलिए सीरिन थ्रियोनिन काइनेज के नाम से इसे जाना जाता है यहाँ पे जो भी फोटो सेंसरी डोमेन होता है ना वो एक्चुअली एन टर्मिनल की साइड लोकेटेड होता है फोटो सेंसरी डोमेन मतलब जो फोटो को लाइट को सेंस करेगा वो वाला डोमेन एन टर्मिनल की साइड पे प्रेजेंट होता है और बोला जाता है कि यही फोटोसेंसरी डोमेन है जिसके पास दो एल ओ वी प्रेजेंट होते हैं एल ओ वी का मतलब क्या होता है या प्रोटीन सीक्वेंस है जो कि होमोलोगस होता है टू तो यू कैरियोटिक एंड प्रो कैरियोटिक प्रोटीन जो भी लाइट को या ऑक्सीजन को या वोल्टेज को सेंस करने के लिए बने हैं तो एल ओ वी जो यहां मैंशन किया गया है लाइट ऑक्सीजन एंड वोल्टेज के लिए मेंशन किया गया है तो ये जो डोमेन होता है ये ऐसे प्रोटीन से बाइंड करता है जो कि इन तीनों में से किसी चीज़ को रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होते हैं तो इसीलिए एक्रोनिम एल का हम यूज़ करते हैं जो भी ब्लू लाइट आती है वो बेसिकली किस चीज़ में हेल्प करती है वो सेंस की जाती है फोटो सेंसरी डोमेन के थ्रू तभी एफ एम एन जो है वो आके बाइंड करता है और जब एफ़ एम एन आके बाइंड करेगा तब फोटोट्रॉफिन के स्ट्रक्चर में कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं क्योंकि ये ऑटो कर लेता है ऑटोफॉस्फोराइलेशन कौन करेगा तो ऑटोफॉस्फोराइलेशन करने के लिए काइनेज है आपको पता है कि काइनेज जो होता है फॉस्फोराइलेशन का उसका काम होता है मतलब वो दूसरे किसी प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करेगा उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा बट फोटोट्रॉफिन में ऐसा नहीं होता फोटोट्रॉफिन में बोला जाता है कि ये सीरियन थ्रियोनिन जो इसके खुद के प्रोटीन में है उसी के ऊपर ये फॉस्फोरेट ग्रुप ऐड कर देता है तो इसे बोलते हैं ऑटोफॉस्फुराइलेशन खुद के ही प्रोटीन्स को खुद के ही स्ट्रक्चर को ये फॉस्फुराइलेट कर देता है जब ये ऑटोफॉस्फ्राइलेसन हो जाता है उसके बाद एक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे चलता है और उसकी वजह से जो भी चेंजेस हैं सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सब आपको देखने को मिलते हैं अगर आप इनके एग्जाम्पल्स की बात करो तो अराबी जो प्लांट होता है एबिडॉपिस अरेबिडॉपिस प्लांट के अंदर दो टाइप के ये फोटोट्रोफिन प्रोटीन होते हैं एक को फोट वन बोला जाता है और एक को फोट टू बोला जाता है तो ये दो फोटोट्रोफिन आपको अरेबिडोप्सिस में देखने को मिलेंगे दोनों का फंक्शन ओवरलैपिंग होता है मतलब हम जनरली बोलते हैं कि दोनों एक ही तरीके का काम जो है उसे कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं इनके काम क्या होते हैं तो काम भी जान लेते हैं तो सबसे पहला जो इनका फंक्शन होता है फंक्शंस यहाँ लिख लेते हैं हम तो सबसे पहला जो होता है वो होता है फोटोट्रॉपिज्म को कंट्रोल करना तभी इसका नाम फोटोट्रोपिन है फोटोट्रॉपिज्म को कंट्रोल करता है ये फोटोट्रॉपिज्म आपको पता होगा कि प्लांट के पार्ट्स की मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट तो वो जो चीज होती है वो हम डिस्कस करेंगे तो उसमें उसको रेगुलेट करने में उसकी रेगुलेशन में बेसिकली फोटोट्रोपिनस का काम होता है फोटोट्रॉपिज्म रेगुलेशन के अलावा इसका एक और जगह काम होता है वो है क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट में क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट किस सेंस में बोलते हैं आपको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की अगर लाइट आती है तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है कि क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी जो होती है वो क्या करती है क्लोरोफिल को डिग्रेड कर देती है उसका फोटो ऑक्सीडेशन कर देती है तो उसके लिए क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिपेंडिंग ऑन दी लाइट कॉन्सेंट्रेशन जितनी आ रही है उसके हिसाब से जैसे बोला जाता है कि अगर लाइट कम है तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो जनरली एक्यूमिलेशन रिस्पॉन्स शो करते हैं यानी ज़्यादातर अपर एंड लोअर सर्फिस पे जाके सेल के एक्यूमिलेट हो जाते हैं तो जैसे अगर ये सेल है तो इसके यहाँ पे ऊपर की साइड एंड नीचे की साइड जाके वो एक्यूमलेट हो जाएंगे ये कौन सी वाली चीज़ है जब लाइट लो है ऐसा किस लिए किया ताकि ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके लाइट कम है तो लाइट को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर किया जा सके बट क्या होता है कि जब लाइट हाई होती है तो उस केस में क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं पैरेलल टू दी लाइट इसे बोलते हैं हाई लाइट कंडीशन में ऐसा चीज होती है तो जो भी ये लाइट हाई है इसकी वजह से क्या होगा कि क्लोरोप्लास्ट अपने आप को पैरल अरेंज कर देंगे लाइट के जिसकी वजह से वो लाइट से एस्केप कर सके और लाइट जो है उनकी फोटो ऑक्सीडेशन ना करे उसके पिगमेंट्स की फोटो ऑक्सीडेशन ना करे इसे बोलते हैं अवॉइडेंस रिस्पॉन्स ये वाला जो था इसे बोला जा रहा था एक्यूमिलेशन रिस्पॉन्स एक्ूमिलेशन रिस्पॉन्स और दूसरा वाला जो है उसे बोला जाता है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स ये वाला अवॉइडेंस होता है क्योंकि अवॉइड कर रहा है क्लोरोप्लास्ट लाइट को तो अवॉइडेंस रिस्पॉन्स बोला जाता है तो ये दो चीजें हैं जो कि फोटोट्रॉपिन ही करने में मदद करता है तो जो भी हम बेसिक फंक्शनिंग बोलते हैं फोटोट्रॉपिन की वो यही है फोटोट्रॉपिज्म को रेगुलेट करना एंड क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट को रेगुलेट करना आई होप यू लाइक दिस वीडियो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें कमेंट्स ज़रूर कर देना इस वीडियो के नीचे ऐसी ही और वीडियोज़ भी आती रहेंगी टिल देन बाय बाय